ओम नमः शिवाय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि बृहस्पतिवार धनिष्ठा नक्षत्र शाम 5:15 बजे तक रहेगा। तत्पश्चात शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज चंद्रमा कुंभ राशि में चलते रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक बुद्धिमान तेज दिमाग वाले तकनीकी और वैज्ञानिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। ये अति गंभीर अगले पल में क्या करने वाले हैं जानना मुश्किल होता है और विषम परिस्थितियों में भी धैर्य बनाकर काम करने वाले होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा राहु और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज से सूर्य की संक्रांति मीन राशि में हो चुकी है। बृहस्पति की दोनों राशियां धनु और मीन में सूर्य के आने से मांगलिक और शुभ कार्य जैसे शादी विवाह गृह प्रवेश मुंडन एवं यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि वर्जित बताए गए हैं। पुनः सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के बाद ही शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। आज से शुक्र बुध और सूर्य मीन राशि में ही बने रहेंगे। शनि मंगल पहले से ही धनु राशि में चले आ रहे हैं। इनका मिला जुला प्रभाव दैनिक राशि फल को प्रभावित करता रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए कार्य योजनाओं में बार बार परिवर्तन की मानसिकता बनी रहेगी। अपने कार्यस्थल पर मन का न लगना, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव और कार्यों में व्यवधान संभावित है। आपकी सक्रियता और ऊर्जा स्तर भी प्रभावित रह सकता है। साथ ही परिवारजनों के साथ तालमेल में कमी और वैचारिक वैमनस्यता संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में संघर्ष और संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। निजी संबंधों में मधुरता की कमी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां संभावित हैं। सूर्य देव को अर्घ दें और हनुमान जी की आराधना करें, लाभ मिलेगा। वृष राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में सहयोग की कमी और थोड़ी रुकावटें संभावित हैं। नई कार्य योजनाओं को लागू करने में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। दोपहर के बाद निर्णय लेने में भ्रमात्मक स्थिति बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा। संबंधित मामलों में महिला वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा मगर स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नई योजनाओं के लिए प्रस्ताव मिल सकता है। दूर बैठे मित्र और रिश्तेदारों से भी लाभ संभव है। संबंधित व्यक्तियों से प्रेरणा व दिशा निर्देश लाभदायक सिद्ध होगा। सरकारी कर्मचारियों से लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों का उत्साह बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। साझेदारी के कामों में लाभ और यात्रा की स्थिति संभावित है। सामाजिक प्रतिष्ठा आज बनी रहेगी। कर्क राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी होगी। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो कार्यालय संबंधित कागजात और फाइलों को सहेज कर रखें। आपकी योजनाओं की गति धीमी हो सकती है। किसी मामले में अचानक विवाद या अड़ंगा लगना संभावित है। पत्नी और संतान के स्वास्थ्य संबंधी चिंता और मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना संभावित है। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच चिंता का माहौल बना रहेगा। सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय आ गया है। सूर्य आपकी राशि से 8वें बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य संबंधी असंतुष्टि बनी रहेगी। खास तौर से पेट और कमर संबंधी समस्याएं संभावित हैं। अपनी योजनाओं के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। दूर बैठे मित्रों व सहयोगियों से अनुबंध हो सकता है जो कि लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों को परिश्रम अधिक करना होगा। आर्थिक लाभ में सहयोग बना रहेगा। भविष्य में निवेश संबंधी योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। थोड़े परिश्रम के साथ लगभग आपके हर प्रयास सार्थक होंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी भरा रहेगा। कोई भी निर्णय सोच समझकर सावधानी से लें।
आर्थिक लाभ के विषयों में विरोधियों से दिक्कतें हो सकती हैं। आपकी कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। अध्ययन अध्यापन में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। जमीन या प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में निवेश के योग बनते हैं। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, फिर भी मन अनजाने भय से ग्रस्त रहेगा। तुला राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी होगी। मानसिक बल में वृद्धि होगी। राजनीतिक सहयोग बना रहेगा। अभिभावक या अधिकारियों से लाभ संभव है। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनाए रखें। आपके प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में सहयोग मिलेगा। रिश्तेदारों और सहयोगियों की प्रेरणा व दिशा निर्देश लाभदायक सिद्ध होगा। परिवारजनों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की मानसिक चिंता और मन के नकारात्मक विचारों में सुधार होगा। आपके ऊर्जा स्तर और प्रयासों में गति आएगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक योजनाएं फलीभूत होंगी। अधिक जोखिम वाले कामों को करना उचित नहीं होगा। धैर्य बनाकर रखें। खर्च की स्थिति संभावित है। निजी संसाधनों में वृद्धि होगी। शैक्षणिक कार्यों में कुतर्क करना उचित नहीं होगा और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों को किए गए परिश्रम और संघर्ष का फल मिलना अब चालू होगा। नई कार्य योजनाओं के रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। नए लाभदायी प्रस्ताव मिल सकते हैं। भूमि वाहन संबंधी योग बना हुआ है। शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अनुकूल है। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है, मगर आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी होगी। एलर्जी व वायरल संबंधी संक्रमण संभावित है। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मानसिक शांति और सौहार्दपूर्ण महसूस होगा। वाणी में सौम्यता बनी रहेगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। मित्र व सहयोगियों से लाभ संभव है। कार्य क्षेत्र से संतुष्टि मिलेगी। अचानक लाभ के योग बनते हैं। आर्थिक निवेश के नए अवसर सामने आएंगे। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए संघर्ष वाला दिन होगा और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी पड़ेगी। कुंभ राशि वाले जातकों को मानसिक शांति और राहत महसूस होगा। आपकी कार्य योजनाएं सफल होंगी। आर्थिक लाभ अनुमान से अधिक हो सकता है। विभागीय अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी होगी। मीन राशि वाले जातकों के दिनचर्या में आलस्य और अकर्मण्यता विद्यमान रहेगी। कार्य क्षेत्र में टालू प्रवृत्ति बनी रहेगी। आत्मविश्वास और सक्रियता कम होने से रचनात्मक कार्यों में बाधा संभावित है। हालांकि व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। विभागीय अधिकारियों से सहयोग व लाभ मिलता रहेगा। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें और खर्च की स्थिति को नियंत्रित रखें। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी रखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।